हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी आलू की खस्ता कचौड़ी, फुली फुली खस्ता कचौड़ी, जिसे आप स्नैक्स में या फिर डिनर में बना सकते हैं, सुबह भी नाश्ते में बना सकते हैं, चटनी या फिर केचप के साथ परोसे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं कचौड़ी का जो मैदा है उसको लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने 1.5 कप लिए है मैदा, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून तेल। मैदा, तेल और नमक को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इनमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सख्त आटा लगा लेंगे। कोई भी कचौड़ी बनाने समय अगर आपने उसका आटा जो है वो सख्त लगाया है, वो कचौड़ी खस्ता ही बनेगी। ऊपर से मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया है। इसे रख देंगे हम आधा घंटा, उसके बाद इसके हम लोई बनाएंगे। कचौड़ी के लिए कुछ हम खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिए है 5 से 6 सूखी मिर्च, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा, इलायची, लौंग और दालचीनी थोड़े से ही लिए हैं, छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इनको लो मीडियम हीट पर इनकी खुशबू आने तक 2-3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है मैंने। 2 पिंच ऐड किया मैंने हल्दी पाउडर और 2 पिंच के करीब मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। तीखा आप आपके स्वाद के अनुसार ऐड करें। एक बार मिक्स करेंगे, उसके बाद इस मिक्सचर को हम ठंडा होने देंगे और इनका पाउडर बना लेंगे। तो मसाला भुना हुआ कढ़ाई में मैंने 5 उबले हुए आलू लिए हैं, जिसमें मैंने मसालों का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने लिया है स्वाद अनुसार नमक। मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। मैदे से अब लोई बनाएंगे। मैदे की जगह अब आटे से भी कचौड़ियाँ बना सकते हैं, लेकिन मैदे से ज़्यादा खस्ता बनते हैं। तो लोई को हम हाथों से फैलाकर चपटा करेंगे और इनमें स्टफिंग भरेंगे 1 टेबल स्पून के करीब, या फिर उससे थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही लिए हैं। तो इनको भर कर हम दोनों साइड्स को चिपका देंगे और ऊपर का हिस्सा जो है ना उसको हम उठा लेंगे। रोल करके स्मूथ करें, अच्छी तरीके से सील कर दीजिएगा, जिससे कि जो आलू की स्टफिंग है वो बाहर ना आए। तो इसी तरीके से हम सभी कचौड़ियाँ बना लेंगे। तेल को मैंने गरम कर लिए थे और फ्लेम को रख दिया है लो टू मीडियम हीट पर। कचौड़ियाँ तेल में देने के साथ साथ ही इनमें छोटे छोटे बबल्स आए, इतने तक कि हमें तेल को गर्म करना है। बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, नहीं तो कचौड़ियाँ बाहर से पक जाएगी, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। 3-4 मिनट के लिए इन्हें हम लो मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे, ब्राउन हो जाने तक और फूल कर तैयार हो जाने तक। कचौड़ियाँ इस तरीके से फूल चुकी है। आप चाहें तो मैदा लगाने समय इनमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं। तो कचौड़ियाँ हमारी फ्राई हो चुकी है, इन्हें मैं तेल से उठा लूँगी। इसे गर्म ही परोसे चटनी या फिर केचप के साथ, या फिर आपकी पसंदीदा करी के साथ परोसे। घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसे लगी आपको वीडियो। अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।